हेलो, आज मैं आपको क्ले की एक्टिविटी कराने वाली हूँ, जिसमें आपको एक फ्लावर, बटरफ्लाई, ऑक्टोपस और एक फिश सिखाने वाली हूँ। तो चलो क्ले ले लो और स्टार्ट करो मेरे साथ। आज मैं आपको ऑक्टोपस, एक फ्लावर ऐसा वाला फ्लावर, एक बटरफ्लाई और एक फिश सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिश सीखते हैं। फिश के लिए आपको क्ले लेनी है, ऐसे क्ले लेनी है थोड़ी, फिर उसको इसी तरह से ऐसे घुमाना है थोड़ा, और ऐसा बनाना है। फिर उसको प्रेस कर देना है, अच्छे से प्रेस कर दो और उसको शेप दे दो दो। इस तरह से उसका शेप करना है आपको। ठीक है, फिर दूसरी क्ले लेकर आपको एक राउंड बनाना है। ऐसे राउंड बनाओ अच्छे से, फिर उसको प्रेस कर दो, ऐसे प्रेस कर दो उसको। फिर आपके पास स्पून हो या कुछ भी हो, उससे आप उसको बीच में से ऐसे कट कर दो और यहां से भी ऐसे कट कर दो। ठीक है, फिर उसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके ये जो हमने बनाया है जो शेप, उसके साइड पे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर लगा लो, फिर यहाँ पर लगा लो, फिर जो ये है उसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें ऐसा मिला ट्रायंगल जैसा, तो उसको हम यहाँ पर पीछे लगा लेंगे। देखो ये हमारी फिश हुई। अभी उसके ऊपर हम उसकी आइज बनाएंगे, थोड़ी सी क्ले लेकर ऐसे करके यहाँ पे लगा लेंगे तो उसकी आइज हो गई। और थोड़ी सी क्ले लेकर उसको ऐसे ही थोड़ा सा हल्के हाथों से ऐसे ऐसे घुमाएंगे और उसको थोड़ा सा सी जैसा बनाकर यहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर लगा देंगे। देखो ये हमारी फिश रेडी हो गई, यहाँ मैंने जो दिखाई है वैसी। अभी हम बनाते फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के लिए आपको चाहिए कोई भी कलर की आप क्ले ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ली अभी लवेंडर कलर की। ठीक है, क्ले में से इसी तरह से लेकर उसको ऐसे से धीरे से हल्के हल्के फोल्ड करो, फिर उसको राउंड राउंड करके ऐसे ऐसे धीरे से आराम से ऐसे कर दो। ठीक है, बहुत इजी है। दूसरा भी इसी तरह से निकालो, फिर उसको आराम आराम से ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे करो, फिर उसको धीरे धीरे ऐसे फोल्ड कर दो धीरे धीरे। देखो कुछ नहीं, एकदम इजी है। ठीक है, ऐसे कर दो। फिर तीसरा निकालो ऐसे, फिर उसको भी आराम आराम से ऐसे करो धीरे धीरे, फिर उसको भी अच्छे से फोल्ड कर दो। अभी हमें लेनी है दूसरे कलर की क्ले। अभी हम लेंगे दूसरे कलर की क्ले। ठीक है, ये तीन हमने बनाए, अभी हम लेंगे दूसरे कलर की क्ले। अभी मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर, तो उसमें से भी हम निकालेंगे थोड़ी सी क्ले, फिर उसको हम धीरे 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 बेलेंगे ऐसे हाथ से। सिर्फ दो या हाथ का ही यूज करके आपको इसी तरह से उसको गोल 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 घुमाकर लंबा करना है थोड़ा। देखो है ना, ऐसे करोगे फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दो। दूसरी क्ले लेकर उसको भी ऐसे बेलो हाथ से, ऐसे हाथ में गोल गोल घुमाओगे ना तो बेलती जाएगी और लंबी लंबी जैसे हम सिवैया खाते हैं ना वैसी होती जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दो।
यहाँ पे रख दो साइड पे। थोड़ी और क्ले ले लो और उसको भी उसी तरह से बेलो। और उसको भी ऐसे ऐसे घुमा लो। देखो ये ग्रीन कलर के 3 मिल गए और लवेंडर कलर के भी 3 मिल गए। अभी हम बीच में दूसरे, जैसे यहाँ पे अलग कलर है वैसा दूसरा बीच में अलग कलर बनाएंगे। व्हाइट कलर मैंने लिया है, उसको भी इसी तरह से आपको बेलना है। और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते मोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बीच का व्हाइट। जैसे यहाँ पे रेड है, मैंने व्हाइट लिया है। फिर उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेके अच्छे से आपको चिपका देना है। फिर दूसरा कलर लेना है और उसको यहाँ पर अच्छे से चिपका देना है। फिर हम लेंगे दूसरा, ये ग्रीन कलर यहाँ पे चिपका दिया हमने। फिर से लवेंडर कलर यहाँ पर चिपका दिया हमने। थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करोगे तो वो हो जाएगा। फिर ग्रीन कलर, फिर आता है लवेंडर कलर। देखो हमारा फ्लावर रेडी हो गया। हो गया ना हमारा फ्लावर रेडी हो गया। देखो ये जैसे है ये वैसा मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अभी है तीसरी, ये है हमारा ऑक्टोपस। अभी मैं ऑक्टोपस आपको सिखाऊंगी। ऑक्टोपस के लिए मैंने लिया है पहले व्हाइट कलर, उसको ऐसे राउंड राउंड करके आपको ऐसे राउंड करके सिर्फ उसको प्रेस कर देना है। प्रेस करके हाथ से धीरे धीरे ऐसे ऐसे गोल गोल, जैसे रोटी बनाती है ना मम्मी, वैसे ही ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है आपको। देखो ये हो गया, प्रेस करके फिर उसको साइड पे रख दो। फिर क्या करना है, अलग अलग कलर के आपको क्ले लेने हैं और जैसे हमने अभी बेला वैसे ही बेलना है आपको ऐसे, और उसको थोड़ा थोड़ा बेल बेलते बेलते ऐसे पतला कर लेना है। ठीक है, अभी लेंगे दूसरा कलर हम। दूसरा कलर मैंने लिया, फिर ऐसे पतला पतला बेल लेना है आपको। उसको भी यहां पे साइड पे रख देना है साथ में। फिर तीसरा कलर लेना है आपको, फिर उसको भी यहां पे धीरे धीरे ऐसे बेलना है। और उसको भी यहाँ पे साइड पे रख देना है। अभी हम लेंगे तीसरा कलर, उसको भी धीरे से आराम से ऐसे ऐसे, मैंने ग्रीन लिया है, आपको भी ऐसे लेकर उसको बेलना है। और यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये जो हमने लिया था व्हाइट वाला जो सर्कल बनाया था उसको यहाँ पे रखना है। फिर ये जो है उसको लेकर यहां पर देखो यहां पर ऐसे रखना है। ठीक है, ये लेना है, फिर उसके साथ में यहां पर इसे चिपकाना है और ऐसे धीरे से आराम से प्रेस कर देना है उसको। फिर दूसरा लेना है, फिर यहां पे ऐसे चिपका देना है। फिर जो दूसरी बनाई थी हमने बेल, उसको भी लेकर ऐसे यहाँ पे चिपका देना है। फिर ये वाला जो था उसको
यहाँ पे चिपका देना है। देखो ये हमारा ऑक्टोपस रेडी हुआ, अभी उसकी हम आई बनाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा ऑक्टोपस रेडी हुआ सेम टू सेम, देखो ऐसे उसके यहाँ पे ऐसे उसके जो पैर है उसको हम ऐसे ऐसे थोड़े से फैला देते हैं, ठीक है। अभी उसकी आईज बना देते हैं, ब्लैक कलर थोड़ा सा लेकर ऐसे ऐसे घुमाना है, बीच में से थोड़ा थोड़ा लेकर ऐसे आपको हाथ से ऐसे धीरे धीरे घुमाना है, उसको प्रेस करके यहाँ पे रख देना है और यहाँ से लेकर ऐसे धीरे प्रेस करके यहाँ पे रख देना है। देखो उसकी आईज हो गई, ये हमारा ऑक्टोपस रेडी हो गया। देखो ये हमारा ऑक्टोपस रेडी हो गया, जो मैंने यहाँ पे बनाया है वैसा ही ऑक्टोपस ये रेडी हो गया। अभी है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई के लिए आपको क्या करना है, तो पहले आपको बटरफ्लाई के लिए थोड़ी सी क्ले ले लेनी है। जो क्ले मैं ले रही हूँ वो देखो ये है क्ले, तो क्ले में आपको ऐसे क्ले लेकर उसको तोड़कर उसके चार पार्ट कर लेने हैं, सेम टू सेम चार पार्ट करके उसको अच्छे से ऐसे राउंड राउंड बना दो। पहले वन, फिर है टू, ये है थ्री और ये है फोर। ये फोर हमने बना दिए, ऐसी हम बटरफ्लाई बनाने वाले हैं। तो इसके लिए ये वन टू थ्री फोर हमने बना लिया, ठीक है। अभी हम लेंगे एक कलर जिसका फिर से आपको ऐसे ऐसे करके राउंड करना है, फिर दूसरा कलर ऐसे लेकर थोड़ी और क्ले लेकर उसका भी ऐसे राउंड करना है। वो छोटा बनाना है, ये थोड़ा बड़ा बना है तो ये थोड़ा उससे छोटा बनाना है और उसको अच्छे से ऐसे प्रेस करके ऐसे चिपका दो, दोनों को साथ में ऐसे चिपका दो अच्छे से, ठीक है। फिर तीसरा कलर लेना है और उसको भी ऐसे ऐसे थोड़ा लंबा करके आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके ये जो हमने बनाया उसके साथ में यहाँ पर ऐसे प्रेस करके चिपका देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो ये है हमारे उसके थोड़े से ऐसे प्रेस कर दो और यहाँ पर एक चिपका दो, फिर इसको भी लो प्रेस करो चिपका दो यहाँ पर, इसको लो प्रेस करो यहाँ पर चिपका दो साइड पे, ये लो इसको प्रेस करो और चिपका दो यहाँ पर, ठीक है। फिर अच्छे से उसको चिपका दो। फिर क्या करना है आपको, एक आपके पास जो पेंसिल है, पेंसिल उसकी पीछे की साइड की जो टिप होती है वो टिप को आपको इधर यहां पर ऐसे करोगे तो देखो ऐसे बीच में थोड़ा सा ऐसा करना है पेंसिल से, ठीक है। देखो ऐसा करना है, देखो ये आधा अधूरा हमारा बटरफ्लाई रेडी हो गया। अभी उसके ये जो है एंटीना वो बनाते हैं हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी क्ले लेकर पतली पतली बेलना है ऐसे, फिर उसको बीच में से ऐसे पकड़कर मोड़ देना है, ठीक है। ऐसे यहां पर मोड़ देना है और यहां पर उसको आराम से धीरे से यहां पर लगाना है ऐसे और उसको ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। फिर उसकी आईज थोड़ा सा व्हाइट कलर का लेकर हम यहां पे उसकी ऐसे बनाकर यहाँ पे चिपका देते हैं एक आईज और दूसरी आई,
देखो हमने दो आई उसकी बना दी, ठीक है। और जो आगे का उसका है वहां पे थोड़ा सा इसी तरह से क्ले लेकर हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा बटरफ्लाई भी रेडी हो गया है ना। देखो ये हमने बटरफ्लाई बनाया है, ये बटरफ्लाई बनाया मैंने, ठीक है। फिर ऑक्टोपस आपको सिखाया, बटरफ्लाई सिखाया, फ्लावर सिखाया और फिश सिखाई, ठीक है। आपको नेक्स्ट पीरियड में और भी अलग अलग चीजें मैं सिखाऊंगी, ठीक है। बाय, थैंक यू।